तो गाइज अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी और आज हम लोग जा रहे हैं एरम्बोल बीच। और एरम्बोल बीच हमारे यहाँ से अंजुना बीच से एक्चुअली 22 किलोमीटर पे अप्रॉक्स में आता है। अंजुना बीच से हम जाएंगे स्वीट वाटर लेक, जो स्वीट वाटर लेक में हम लोग जाके आज देखते हैं कि ये क्या है। और अभी हम आपको चलते हैं लेके। एरम्बोल बीच के रास्ते में और बीच में हमने सोचा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं अपने। आप देख सकते हैं एक फैमिली रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम देखते हैं लंच सॉरी ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। और इस रेस्टोरेंट में हमने एक फ़िश थाली और एक वेज थाली मंगाई थी जो कि बहुत ही चीप रेट में आपको मिल जाएगी। और वो सब हम खाना इंजॉय करने के बाद हम दोबारा फिर निकल पड़े रास्ते पर। एरम्बोल बीच के अंदर और यहाँ से क्या है कि स्वीट वाटर लेक भी यहाँ से आगे रास्ता आता है स्वीट वाटर लेक का। और आप यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर का आपका वॉकिंग डिस्टेंस होता है जो आपको कवर अप करना पड़ता है स्वीट वाटर लेक के लिए। उसके लिए बाय रोड भी आप जा सकते हैं, बट हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं वॉक करते हुए। और अभी दोपहर का टाइम है और जो एरम्बोल बीच है वो काफ़ी शांत बीच है। आपको बागा बीच और कैलंगोट बीच पर काफ़ी रश देखने को मिलेगा, काफ़ी टूरिस्ट होते हैं। शांति हाँ, यहाँ पर क्या है कि काफ़ी शांत बीच है, आप आराम से अपना टाइम इंजॉय कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कपल्स भी यहाँ पे आते हैं, काफ़ी लोग अपना शांति से अपना समय भी बिताते हैं। और आप देख सकते हैं पूरा एकदम काफ़ी शांत बीच है एकदम चारों तरफ, और काफ़ी बड़ा भी है। नहीं बड़े तो सारे हैं वैसे, ऐसी बात नहीं है। एरम्बोल बीच नहीं देखा। और आपको एरम्बोल बीच पर ज़्यादातर 90% लोग आपको रशियन मिलेंगे, यहाँ पे फॉरनर आप बोल सकते हो। रशियन भी ये नहीं कि पर्टिकुलर रशियन से हो, वो लोग काफ़ी जगह से होते हैं, हम नहीं पता कि कहाँ कहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे आपको इंडियन कम देखने को मिलते हैं क्योंकि इंडियन को आपको पता ही है बाटी वगैरह में ज़्यादा ध्यान होता है उनका, तो इसलिए हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं अभी एरम्बोल बीच के ऊपर। और हमें उस साइड जाना है जो कि अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है पूरा एरम्बोल बीच का। एरम्बोल बीच पर हैं उधर सामने, और वहाँ से एरम्बोल बीच से ये रास्ता आता है इधर मार्केट का, और हमें जाना है अब स्वीट वाटर लेक जो कि इधर से है। तो आपको कुछ मार्केट वगैरह देखने के लिए पूरी मार्केट यहाँ से आपको पूरी मार्केट क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ये पूरी मार्केट है जो आपको एरम्बोल से स्वीट वाटर लेक लेके जाने वाली। और ये मार्केट जो है वो बड़ी सही है, आपको हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी, ड्रेस क्लोथिंग वगैरह सब। बीच बीच में यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी आ रहे हैं काफ़ी सारे, जो आप यहाँ का जो रास्ता है वो इन्जॉय करते हुए जाने वाले हो, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। एक्चुअली वी आर इन्जॉइंग दिस मार्केट राइट प्रेम यो। एंड अप्रॉक्स 5 मिनट्स का आपको टाइम लगने वाला है यहाँ से स्वीट वाटर लेक ले जाने के लिए। कहते हैं यहाँ पे कि ये वाली जो मार्केट है काफ़ी फेमस है, बट कस्टमर इतने दिख नहीं रहे मेरे को। क्या पता शाम को आते हो ना शॉपिंग करने। तो गाइज आप देख सकते हैं स्वीट वाटर लेक पर जाने से पहले इस तरह कुछ रास्ता आने वाला है। अगर आप अपने शूज़ वगैरह स्लीपरी वगैरह आप शूज़ अगर पहन के आते हो तो प्लीज़ उनको अवॉइड कीजिए, ये वीडियो में मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आने से पहले आप अपना रिस्क पे आइए, और अपने जो आप सैंडल वगैरह शूज़ वगैरह हैं वो थोड़े ग्रिप वाले लेके आए, जो थोड़े अच्छे हों उनको लेके आ ही सकते हैं आप, तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। और इतने हैं पहुँचने वाले हैं वैसे तो यहाँ पर, ये देखिए गाइस तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं स्वीट वाटर लेक। स्वीट वाटर लेक मैं आपको दिखाता हूँ कि सामने से कैसा दिखता है आपको। और जैसे आप एरम्बोल बीच से 5 मिनट का डिस्टेंस ट्रैवल करके आते हो इधर से, तो आपको यहाँ से स्वीट वाटर लेक मिलेगा, और इसकी यहाँ से एंट्री है, और इस तरह कुछ स्वीट वाटर लेक देखने को मिलेगा आपको। ये आप देख सकते हैं एक तरह से ये लेक है, काफ़ी अच्छा है, मतलब लोग बाग यहाँ पर इंजॉय करते हैं, और यहाँ पर आप नहा भी सकते हो, आप यहाँ पर बैठने के लिए भी सब कुछ अवेलेबल है।